वो अंश जो रूबी को अब तक एक नॉर्मल लड़की समझते थे, अब उसी अंश को पता चल गया है कि रूबी एक डायन है। स्टारप्लस के सीरियल नजर में अंश को पता चल गया है कि रूबी एक डायन है और उस पर डायन का साया है, जिसके बाद अंश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है अंश बाबू, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्या हुआ अगर अंश को डायन रूबी की सच्चाई देर से पता चली? पर अब तो वो जान गए ना, और अब अंश अपनी राठौर फैमिली को बचाएंगे। वो अपनी फैमिली में कोई भी आंच नहीं आने देंगे। अब अंश अपनी फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। आफ्टर ऑल अंश राठौर फैमिली के बेटे जो है, वही अंश अब दैविक यानी कि पिया को अपने घर लाएंगे, क्योंकि वही लड़की है जो उसके परिवार को इन बलाओं से बचा सकती है। और अब अंश पिया को ढूंढ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या अंश दैविक पिया को अपने घर ला पाएंगे, क्या अंश दोनों डायनो से अपने घर को बचा पाएंगे। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का वो अंश जो रूबी को अब तक एक नॉर्मल लड़की समझते थे, अब उसी अंश को पता चल गया है कि रूबी एक डायन है। स्टार प्लस के सीरियल नजर में अंश को पता चल गया है कि रूबी एक डायन है और उस पर डायन का साया है, जिसके बाद अंश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है अंश बाबू, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्या हुआ अगर अंश को डायन रूबी की सच्चाई देर से पता चली? पर अब तो वो जान गए ना, और अब अंश अपनी राठौर फैमिली को बचाएंगे। वो अपनी फैमिली में कोई भी आंच नहीं आने देंगे। अब अंश अपनी फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। आफ्टर ऑल अंश राठौर फैमिली के बेटे जो है, वही अंश अब दैविक यानी कि पिया को अपने घर लाएंगे, क्योंकि वही लड़की है जो उसके परिवार को इन बलाओं से बचा सकती है। और अब अंश पिया को ढूंढ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या अंश दैविक पिया को अपने घर ला पाएंगे, क्या अंश दोनों डायनो से अपने घर को बचा पाएंगे। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का